Good morning, students. Adi Bhatt here. I shall teach you today English reader of class 4. बच्चों जो बुक सब्सक्राइब किया गया है आपको, ये बुक आप मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ प्रेस्क्राइब है, अति शीघ्र आप इसको ले लें, जिससे जब वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी की जानकारी होगी तो आपको इस बुक को पढ़ने में आसानी होगी। वैसे हर वर्ड की मीनिंग हम बताते जाते हैं, लेकिन जब तक वो आपके सामने नहीं होगा, आप उस वर्ड को लिखेंगे नहीं, तब तक उसकी हिंदी की जानकारी सुन करके याद कर पाना थोड़ा असंभव कार्य होगा। इसलिए जितने जल्दी हो सके आप लोग पहले किताब को ले लें। लेसन का नाम है टिट फॉर टैट, अर्थात जैसे को तैसा। ये भी एक स्टोरी है, जैसे को तैसा। आप लोग शायद बचपन में इस स्टोरी को सुने भी होंगे। ए जैकाल एंड ए डंकी वेयर गुड फ्रेंड्स। एक जैकाल गीदड़ और एक डंकी गधा वेयर गुड फ्रेंड्स, बड़े अच्छे मित्र थे। दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट नियर ए रिवर। वह एक नदी के किनारे जंगल में रहते थे। द जैकाल वॉज कनिंग। गीदड़ बहुत धूर्त था। बट द डंकी वॉज सिंपल। लेकिन गधा बहुत साधारण था, बहुत ही सज्जन था। द जैकाल वॉन्टेड टू गो टू द अदर एंड ऑफ द रिवर वेयर देर वॉज प्लेंटी ऑफ फिश एंड क्रैब्स। गीदड़ हमेशा नदी के किनारे जाना चाहता था, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे और मछलियाँ थीं। बट ही डिड नॉट नो स्विमिंग। लेकिन वो तैर नहीं सकता था। सो ही वेंट टू द डंकी एंड सेड। इसलिए वह गधे के पास गया और कहा, देर आर प्लेंटी ऑफ मेलन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। कहा कि उधर नदी के उस पार बहुत अधिक मात्रा में खरबूजे हैं। If you want to go there, I can help you. अगर आप उस पार जाना चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। The donkey was happy. वह डंकी बहुत खुश हुआ। गधा बहुत खुश हुआ। He said to the jackal, उसने गीदड़ से कहा, What a good idea. आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको इसके पहले हमने सेंटेंस पढ़ाया था, व्हाट ए गुड आइडिया। जब क्वेश्चन मार्क के बजाय एक सीधी लाइन के नीचे बिंदी लगा जाती है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। व्हाट ए गुड आइडिया, कितना अच्छा विचार है आपके। लेट्स गो देयर टुगेदर, चलो वहाँ साथ साथ चलते हैं। आई नो यू ऑल्सो लाइक मिलन, मैं जानता हूँ कि आपको भी खरबूज बहुत पसंद है। But I do not know swimming, said the jackal with a sad voice. दुखी स्वर में गीदड़ ने कहा, लेकिन मैं तो तैरना जानता ही नहीं। Do not worry, आप चिंता ना करें। I shall carry you on my back, मैं आपको अपनी पीठ पर ले चलूंगा। Assured the donkey, डंकी ने विश्वास दिलाया। So the jackal sat on the donkey's back. इसलिए वह गीदड़ गधे की पीठ पर बैठ गया। And soon they were on the other side of the river. और बहुत जल्दी ही वह नदी के उस पार पहुंच गए। There was a field full of big round melons. वहां पर एक खेत था जो बड़े बड़े गोल खरबूज से भरा हुआ था। The jackal said to the donkey. गीदड़ ने गधे से कहा, देर आर लॉट ऑफ मेलन्स इन द फील्ड, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मेलन्स हैं, खरबूज हैं। यू स्टार्ट ईटिंग एंड आई शैल कीप ए वॉच फ्रॉम द रिवर साइड। आप खाना शुरू करें,
मैं नदी के किनारे से मैं वॉच करता रहूंगा, निरीक्षण करता रहूंगा। सो दैट अ डंकी बिगेन टू ईट मेलन्स, गधे ने मेलन्स खाना शुरू किया। वेल द जैकॉल रैन टुवर्ड्स द रिवर, और जबकि गिदड़ नदी की तरफ दौड़ा। देयर ही एट मैनी फिश एंड क्रैब्स, वहाँ वो जा करके बहुत सारी मछलियों को और जल में जो छोटे मोटे पौधे थे उनको खाया। सून द जैकॉल्स स्टमक वॉज फुल, बहुत जल्दी ही गीदड़ का पेट भर गया। एंड ही रिटर्न टू द फील्ड, और वह खेत में वापस आ गया। ही वॉन्टेड टू रिटर्न अर्ली सो दैट ही कुड गेट ए गुड स्लीप आफ्टर ए ग्रैंड डिनर, अब वह जल्दी से वापस आना चाहता था क्योंकि एक अच्छे डिनर के बाद, अच्छे खाना खाने के बाद अब उसको नींद की आवश्यकता थी। बट द डंकी वाज स्टिल बिजी ईटिंग मेलन्स, लेकिन अभी भी वो गधा मेलन्स खाने में व्यस्त था। द जैकॉल वेटेड फॉर सम टाइम, गीदड़ ने कुछ देर तक प्रतीक्षा किया। बट सून ही गॉट इम्पेशेंट, लेकिन बहुत ही जल्दी ही वो धैर्यहीन हो गया, अपना धैर्य खो बैठा। ही वॉज ए कनिंग बीस्ट, क्योंकि वह एक धूर्त जानवर है, जानवर था। सो ही थॉट आउट ए नेस्टी प्लान, इसलिए उसने एक बहुत ही बुरा अर्थ वाला योजना बनाया, अर्थात उसने एक गलत योजना बनाया। ही रैन राउंड एंड राउंड द फील्ड एंड होल्ड अलाउड फॉर सम टाइम, वह खेत के चारों ओर दौड़ा। एंड होल्ड अलाउड, और होल्ड होता है गीदड़ के बोलने की आवाज़, और गीदड़ जिस आवाज़ में बोलते हैं उसी आवाज़ में कुछ देर तक वो बोलता रहा। देन ही रैन टू द रिवर बैंक, इसके बाद फिर वो नदी के किनारे दौड़ गया। एंड वेटेड देयर फॉर द डंकी, और वहाँ वह गधे का इंतजार करने लगा। द विलेजर्स हर्ड द नॉइज, ग्रामीण ने, गांव वालों ने उस आवाज़ को सुना। दे सेड, वे बोले, देर इज समवन इन द फील्ड ऑफ मेलन, कि कोई हमारे मेलन के खेत में है। ए जैकॉल हैज गॉट इन टू द फील्ड, एक गीदड़ शायद हमारे खेत में है। ही विल डिस्ट्रॉय ऑल आवर मेलन्स, वह हमारे सभी मेलन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेट अस गो टू द फील्ड एंड ड्राइव हिम आउट, चलो हम लोग खेत की तरफ चलते हैं और उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। सो द विलेजर्स रैन टूवर्ड्स द फील्ड विथ देयर स्टिक्स, इसके बाद सभी गांव वाले एक छड़ी लेकर के खेत की ओर गए। और इसके बाद की जो कहानी है ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो बच्चों, एटलीस्ट जिन शब्दों की मीनिंग्स जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप एक पेन और एक रफ या कॉपी अपने पास रखें। जब शब्द बताया जाता है तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या है आप उसको नोट करते रहें। अगर आप स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं तो उसको, हमने अगर जयकार बोला तो आप हिंदी में ही जयकार लिख दें, फिर उसकी स्पेलिंग कहीं से खोज कर लिख लें, जिससे कि आपको उसके हिंदी अर्थ का पता चल सके। इससे आपको कुछ मीनिंग्स की जानकारी पर डे होती रहेगी और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में भी सुधार होगा। आज का चैप्टर बस यहीं तक पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे आपको फिर इसके आगे की जानकारी दी जाएगी। लेकिन जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करें और पढ़ने बैठें तो आपके पास पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप उन शब्दों की मीनिंग लिख सकें।